चलिए अगली खबर की रुख करते हैं जो दौसा जिले से है, जहां पर दौसा जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के अंदर जनसुनवाई की है। जनसुनवाई के अंदर बिजली पानी सहित रास्तों के मुद्दों को लेकर के यह जनसुनवाई की गई है और इसी दरमियान वहां पे क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और इस जनसुनवाई के दौरान कौन कौन मौजूद रहा, इन सभी की जानकारी सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत बिछा के अटल सेवा केंद्र में शुक्रवार की रात कलेक्टर अमर उल जमान चौधरी ने रात्रि चौपाल में जनसुनवाई की है। चौपाल के दौरान लोगों की भीड़ लगी रही। बिजली पानी सहित कई मुद्दे लोगों ने कलेक्टर के समक्ष भी रखे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए स्टेट हाईवे बिछा सड़क पर ब्रेकर लगवाए जाने की मांग की है। वहीं बिजली के झूलते तारों से निजात दिलाने की मांग करते हुए रास्तों से अतिक्रमण हटाने की गुहार भी लगाई है। कलेक्टर ने कुछ मुद्दों का मौके पर ही निस्तारण भी किया तो वहीं संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने विभागों की कुछ अधिकारी जनसुनवाई में नहीं पहुंचने से नाराजगी जताई है और इसी मौके पर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा, SDM नीतू करौल, विकास अधिकारी प्रियंका मीणा, तहसीलदार अमितेश मीणा, सरपंच विष्णु कुमार शर्मा, CBO गोविंद नारायण माली, MIS मैनेजर कन्हैया लाल सैनी, ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह सहित कुछ विभागों के अधिकारी छोड़ सभी अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।